दोस्तों, मेरा नाम नलिन मिश्रा है। पेशे से मैं एक सर्जन हूँ और आज और एमवे बिजनेस को मैं पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा हूँ। आपके साथ आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा और कुछ जो मैंने सीखा है इस बिजनेस में कि आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में भी कुछ बातें आपसे करूँगा। तो दोस्तों, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरह से व्यस्त था। कुछ और सोचने का मेरे पास समय ही नहीं था। ऐसे में मेरे एक सर्जन फ्रेंड हैं जो मेरे साथ इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और फिर बाद में देहरादून चले गए थे। उन्होंने मुझे एक फ़ोन किया और मुझे कहा कि एक वो बिज़नेस कर रहे हैं और मुझे चाहते हैं कि मैं भी उस बिज़नेस को देखूं और हो सके तो उनका पार्टनर बनूं। तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैंने कहा देखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप कहते हो तो मैं करूँ। फिर मैंने उसको उनको हाँ बोल दिया, ठीक है मैं करूँगा। लेकिन बाद में मैं सोच रहा था कि ये मेरे फ्रेंड हैं, सर्जन हैं, अच्छे स्टूडेंट थे और जितना मैं जानता हूँ उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है, तो आखिर इनको कोई और बिज़नेस करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो मैं सोचने लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो कुछ और कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा चलो हेल्प करते हैं। तो ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम में से बहुत से लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारा पहला काम अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए हम कुछ और करें। लेकिन फिर मैंने दोस्तों इस बिज़नेस को गंभीरता से देखा, उसको समझा और अपने फ्रेंड से कहा कि अब मैं करूँगा। तो हमारे फ्रेंड के साथ साथ हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है, जो जिसने उनको स्पॉन्सर किया, जिसने उनको स्पॉन्सर किया, और इसमें बहुत से लोग एक्सपर्ट होते हैं। फिर मेरा उनसे संपर्क हुआ, मैंने उनसे सीखना शुरू किया और उसके बाद दोस्तों इस बिज़नेस को आज मैं इस स्थिति में हूँ इस बिज़नेस में। लेकिन शुरू में बिज़नेस की शुरुआत एकदम से नहीं हुई। जब मैंने एक बार डिसाइड कर भी लिया कि मुझे करना है, तो फिर मैं बार बार ये सोचता रहा कि आखिर बात किससे करें, और रोज़ मैं सोचता था कि शुरू करेंगे, लेकिन उसी हेजिटेशन में, संकोच में कि लोग क्या कहेंगे, कि आप एक सक्सेसफुल सर्जन होकर पैसे भी कमा रहे हो, इतने व्यस्त भी हो, अब ये सब आपने क्या शुरू। तो ये सोच के मैं किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा था, केवल सोचता रहता। ऐसे में एक दिन एक फ्रेंड हमारे घर में आए और उन्होंने पहले वो एमवी का किट आती थी उसको देखा हमारे घर में, और उन्होंने कहा कि आप भी फंस गए क्या। मैंने मतलब उनको ये बहुत ख़राब लगा कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, और उसके बाद उन्होंने दो चार और बुरी बुरी बातें मुझे बोली कि आप इस बिज़नेस में तो कामयाब कभी हो नहीं पाओगे और जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है वो भी कुछ नहीं रहेगी। तो मैंने बिल्कुल शांति से उनसे पूछा कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, इसमें ऐसा क्या है। एक मार्केट है जिसके अगर हम ग्राहक बनते हैं और उसके अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों से शेयर करते हैं, और अगर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है, एक संगठन बनता है और उससे कुछ पैसे आते हैं, तो इसमें बुराई क्या है, इसमें ऐसी क्या ख़राब बात है कि मैं इसको नहीं कर सकता, और जब मैं इसको करूँगा तो मेरी प्रैक्टिस भी नहीं होगी। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे कही और सबका मैं शांति से जवाब देता चला गया, और ये असर था उन किताबों का जो मैंने इतने दिनों में पढ़ी थी। मेरे जवाब देने का असर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले मुझे अपना पार्टनर बनाइए। कुछ मिनट पहले जो हमारे फ्रेंड जो मुझे बुरा भला कह रहे थे इस बिज़नेस को करने के लिए, वो तुरंत रेडी हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे आप पहला अपना पार्टनर बनाइए, और फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और दोस्तों वहाँ से ये बिज़नेस की शुरुआत हो गई। उन्होंने ज्वाइन किया दो लोगों के साथ, और मुझे लगा कि ये तो बिज़नेस घर में बैठे स्टार्ट हो गया, तो अगर घर बैठे शुरू हो गया तो इसको करना चाहिए। फिर उसके बाद एक हमारे फ्रेंड जो स्पॉन्सर जो हमारे हैं, जिन्होंने हमको बिज़नेस दिया था, वो इलाहाबाद आए और उन्होंने कहा कि हम अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उनको इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं और एक टीम बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सबको बुलाया और कहा कि वो हमारे फ्रेंड वहाँ से आ रहे हैं देहरादून से, आते हैं हम लोग शाम को बैठेंगे, कुछ चाय वाय पियेंगे। तो सारे हमारे बैचमेट्स जो इलाहाबाद में रहते हैं, अबाउट 20 नंबर, सब इकट्ठे हो गए और एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि अभी कुछ खाना होगा, ड्रिंक्स होंगे, मौज मस्ती होगी। और थोड़ी देर में वहाँ पर एक वाइट बोर्ड लग गया और जो हमारे फ्रेंड आए थे देहरादून से, उन्होंने उसके ऊपर कुछ फिगर्स बनानी शुरू कर दी। तो ये देख के सब नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि तुमने हम लोग को इसलिए बुलाया। और करीब 20 में से 17 लोग जो थे, 17 फ्रेंड्स, दे गॉट अप एंड दे लेफ्ट, खड़े हुए और चले।
मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जो हमारे फ्रेंड, जो हमारे स्पॉन्सर हैं, उन्होंने इशारा किया और मुझे बैठ जाने के लिए कहा। मैं बैठा रहा, वो सब के सब चले गए नाराज होके, लेकिन वो जो तीन लोग बैठे थे जिन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन देखा, उन्होंने कहा ये तो अच्छा बिजनेस है, इसको करना चाहिए, और उन तीनों ने भी स्टार्ट करने का फैसला किया। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि मैं घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन 5-6 लोग मेरे साथ ज्वाइन कर गए। देन आई डिसाइडेड कि इस बिजनेस को अब हम अच्छे से करेंगे। दोस्तों, जब फैसला किया कि अब इस बिजनेस को करना है, तो हम लोगों ने, हम और जो हमारे पहले पार्टनर बने थे, मिलकर काम करना शुरू किया, और इमीडिएटली हमको हेल्प मिली। हमारे जो अपलाइन डायमंड है, मिस्टर आलोक उपाध्याय, मिसेज भावना उपाध्याय, वो इलाहाबाद आ गए। उन्होंने सिर्फ बिजनेस के लिए इलाहाबाद शिफ्ट हो गए देहरादून से, और हमारी हेल्प करनी शुरू की, और उनके मदद से, उनके गाइडेंस में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट की और 15% के लेवल पर पहुंचे। उसके बाद आलोक जी ने फैसला किया कि वो अब वापस जाएंगे देहरादून, एंड ही शिफ्टेड बैक टू देहरादून। लेकिन उसी समय उनके भी अपलाइन डायमंड है, मिस्टर आरती सिंह एंड मिसेस चंद्रा सिंह, वो आ गए इलाहाबाद। और फिर ये जो हमारी एक टीम बनी थी 15% की, करीब 100-200 लोग उसके अंदर थे, इन सबको मिस्टर आरती सिंह ने गाइड किया, और उसके बाद इस बिजनेस को बढ़ाया हम लोगों ने, और हम एमरल्ड के लेवल पर। हमारे नीचे जो सबसे पहले फ्रेंड थे वो फाउंडर प्लैटिनम हुए, उसके बाद एक हमारे डॉक्टर फ्रेंड थे वो प्लैटिनम हुए, और एक हमारे फ्रेंड थे जो यूनिवर्सिटी में उस समय प्रोफेसर थे, उनको भी मैंने स्पॉन्सर किया था। शुरू बिजनेस उन्होंने किया, बाद में उनके बेटे ने बिजनेस करना शुरू किया, और वो भी आज फाउंडर प्लैटिनम उस समय हुए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया ये सोचते हुए कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली इस बिज़नेस से क्या मिल सकता है, देन आई थॉट कि मुझे करना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो मैं सर्जन बना, ये कैसे बना। जब मैं बहुत छोटा था, 11-12 साल की उम्र में, तो हमारे घर के सामने एक व्यक्ति रहते थे जिनको मैं रोज अपने घर की बालकनी से देखा करता था। तो सुबह उठ के मैं देखता था कि उनके घर में, उनके लॉन में बड़ा सुंदर सा लॉन था, उसके अंदर कुछ चेयर्स लग जाती थी, चेयर्स के ऊपर बढ़िया वाइट लिनन, वाइट कुशन लग के, और वो टी चाय का पूरा इंतज़ाम होता था। फिर बाद में वो शख्स आते थे, वहाँ आराम से बैठते थे, एक दो लोग उनके साथ रहते थे और वो बैठ के चाय पिया करते थे। फिर उसके बाद मैं देखता था थोड़ी देर बाद उनके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, और उसके ऊपर बैठ के वो कहीं चले गए। दोपहर में वो वापस आते थे, शाम को फिर उसी तरह लॉन में उनके बढ़िया सा वो सफ़ेद चादरों और सफ़ेद कुशन वाला फर्नीचर लग के उसके ऊपर वो 2-4 लोगों के साथ बैठ के चाय पीते थे, और रोज़ सुबह में उनको फिर उसी तरह से देखता था। तो मुझे लगा ये तो बहुत शानदार लाइफ है। और बाद में जब पता चला तो ये मालूम चला कि वो किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, सर्जन है। तो वो छोटे से मस्तिष्क में ये बैठ गया कि अगर मैं सर्जन बनूंगा तो शानदार लाइफ होगी। और दोस्तों, ऐसा रहा कि पढ़ाई लिखाई करके मैं क्वालिफाई करता चला गया, बाद में सर्जन बन भी गया, और 10-15 साल जब प्रैक्टिस के भी हो गए तो वो लाइफ कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, क्योंकि हर समय काम, व्यस्तता की हालत ये थी कि कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं रात में नींद पूरी ले पाऊँ, कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं अपना लंच या डिनर पूरा कर पाऊँ, हर समय कुछ ना कुछ कुछ सकते। तो देन आई वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज, ये क्या हुआ, सर्जन की लाइफ तो वैसी नहीं है जैसी मैंने देखी। ये तो बाद में पता चला कि वो जो सर्जन थे वो रिटायर्ड थे, जब मैंने देखा था तो वो रिटायर्ड लाइफ बिता रहे थे। और फ्रेंड्स, आज इस बिजनेस की वजह से उसी तरह की लाइफ मेरी है। मैं भी आज बिल्कुल आराम से सुबह उठ के चाय पीता हूँ कुछ लोग के साथ बैठ के, फिर दिन में थोड़े अपनी क्लिनिक का काम करता हूँ, शाम को फिर कुछ हमारे बिजनेस पार्टनर्स आके हमारे साथ बैठते हैं उनके साथ। फिर कहने का मतलब ये है कि मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो ड्रीम है शायद वही आपकी डेस्टिनी होती है, और उसी तरह से आप काम करते हैं, उसी तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सर्जन तो मैं बन गया, लेकिन ये वाली लाइफ नहीं थी, इसलिए मुझे शायद लगता है कि मुझे ये बिज़नेस मिला जिसमें एज अ सर्जन मेरे पास इतना सारा समय हो सकता था कि मैं उस तरह की लाइफ लीड कर सकूं जिसका मैंने सपना देखा था। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हो गया, बहुत आसानी से हो गया, बहुत सारी दिक्कतें भी बीच में आई। जब मैंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने रिलेटिव हैं, बड़े भाई हैं, मेरी वाइफ हैं, एवरीबडी वॉज सो मच अगेंस्ट। ऐसा लगता था जैसे कि घर में कोई भूचाल आ गया,
मैंने कहा भाई ऐसा क्या है, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ साथ साथ ये भी करूँगा, बट नो बडी वॉज प्रिपेयर टू लिसन टू मी। सबको ये लग रहा था कि अपनी प्रैक्टिस खराब कर लेंगे, जो एज अ सर्जन इनका नाम है वो भी ख़त्म हो जाएगा एंड ही विल बी गुड फॉर नथिंग। सबसे ज़्यादा विरोध किया मेरी वाइफ ने, उन्होंने हर काम वो किया जितना वो कर सकती थी वो किया, जिससे कि मैं बिजनेस को करना बंद कर दूँ, बिजनेस को छोड़ दूँ। लेकिन मैं भी जिद पकड़ के बैठा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अगर ज़िंदगी में मुझे सुकून से रहना है, मुझे थोड़ा समय भी चाहिए, तो केवल इस बिज़नेस के ही मुझे वो दे सकता है। इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं मुझे दिखाई पड़ रही, जहाँ पर मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी वर्ष आराम से बिता सकूँ, जहाँ पर मुझे पैसों के बारे में सोचना रहे। सो फ्रेंड, माई वाइफ डिड एवरीथिंग टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दिस बिजनेस, लेकिन मैं भी अड़ा रहा। और फाइनली जब मैं प्लैटिनम बना और उनको प्लैटिनम फोरम में मैं लेकर गया, तब वहाँ जाकर उन्होंने पहली बार मुझसे कहा कि एमवे कंपनी तो बहुत अच्छी मालूम होती है और ये बिज़नेस में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, और हमारे अपलाइन से भी उनकी बातचीत होती रहती थी। देन शी रियलाइज कि ये अच्छा बिजनेस है और अच्छे लोग इसको करते हैं। उसके बाद देन आई क्वालिफाइड द फाउंडर प्लैटिनम, फिर हम फॉरेन ट्रिप में गए, और जब वो फॉरेन गई तब तो सर कोई बात ही नहीं। उसके बाद से शी इज़ नाउ एब्सोल्युटली पॉजिटिव, हेल्प करती है मेरी, और सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं पॉइंट्स करने में, क्योंकि उनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। आर्टिस्ट्री यूज़ करती हैं, एंड कुकवेयर हमारे पास है, एटमॉस्फेयर मिनी हमारे घर में हर कमरे में लगा हुआ है, और न्यूट्रलाइट हम लोग पूरा फैमिली यूज़ करते हैं। तो और एक चीज़ और बताए बिना मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। जिस समय मेरी वाइफ अगेंस्ट थी इस बिजनेस के, एक हम लोग होम मीटिंग कर रहे थे, और वो मेरे घर में होम मीटिंग हो रही थी, उसमें 20 लोग थे, और रात में ऐसा था कि मैंने 3-4 सर्जरी की थी और बहुत थका हुआ था, लेकिन वो चूंकि होम मीटिंग शेड्यूल थी इसलिए मुझे लगा कि इसको कर लेना चाहिए। तो वो मीटिंग शुरू हुई और हमने अपने जो हमारे पार्टनर हैं नरेंद्र वाजपेयी जी, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लान दिखाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं प्लान नहीं दिखा पाऊँगा। तो उन्होंने प्लान दिखाना शुरू किया, थोड़ी देर में हमारी वाइफ को पता चला, शी केम एंड द मीटिंग वॉज स्टॉप्ड इन मिडिल। बीच में मीटिंग बंद करनी पड़ी, सब लोग निकल के बाहर आए, कुछ लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग बचे रहे। उनमें से एक हमारे नेबर थे, उन्होंने कहा कि चलिए डॉक्टर साहब बाकी मीटिंग अपने घर में करते हैं, और फिर बाकी मीटिंग हम लोगों ने अपने घर में जाके की, और वहाँ से भी 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने ठान लिया है इस बिज़नेस को करने, तो कितनी भी दिक्कतें आए, चाहे घर में दिक्कतें आए चाहे बाहर दिक्कतें आए, आप इस बिज़नेस में कामयाब हो ही सकते हैं। दूसरा एक इंस्टेंस आपके साथ शेयर करूँगा कि जब सर्जरी हम लोग करते थे, तो एक सर्जरी के बाद दूसरी सर्जरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे होता था, तो 1-2 ऑपरेशन के बीच में 15-20 मिनट का गैप मिला करता था। उसमें मैं जो हमारे ऑपरेशन थिएटर में जो सिस्टर होती थी उसको ये बता के कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा, और बाकी मैं किसी को नहीं बताता था, अपनी टीम को नहीं, जो हमारे एनेस्थेटिस्ट होते थे उनको भी नहीं बताता था, और उतनी देर में जाके किसी को मैं प्लान दिखा के जल्दी से वापस आ जाता था। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन समय निकाला जा सकता है अगर आपका कारण स्ट्रांग है। मेरा रीज़न बहुत स्ट्रांग था, मुझे इतनी जो व्यस्तता थी इससे मुझे छुट्टी पानी थी, और मुझे पता लग गया था कि ये बिजनेस ही वो मुझे टाइम दे सकता है। इसके लिए मैंने जो कुछ भी ज़रूरत पड़ी जैसे भी हुआ उसको किया। और थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करूँगा, जो टीमें मुझे मिली वो कैसे मिली। पहले पार्टनर तो हमारे वही थे नरेंद्र वाजपेयी और उनकी वाइफ रीता वाजपेयी, जिन्होंने सबसे पहले आकर मुझे इस बिज़नेस को न करने के लिए बहुत सारी बातें बताई थी, और बाद में उन्होंने खुद इसको करने का निर्णय लिया। वो आज फाउंडर प्लैटिनम है, उनके नीचे एक फाउंडर प्लैटिनम है, और उनकी टीम में ढेर सारे सिल्वर और गोल्ड हैं। दूसरे जो हमारे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड थे, उनके साथ मैंने बिजनेस करना शुरू किया, बाद में उनके बेटे ने टेक ओवर किया, ऋत्विक सोलंकी, ऋत्विक एंड प्रगति सोलंकी, वो इस समय एमरल्ड हैं, और उनके नीचे फाउंडर्स प्लैटिनम है, उनके नीचे 2 प्लैटिनम हैं, सिल्वर है, गोल्ड। तीसरी जो हमारी टीम है उसके जो जिनको मैंने स्पॉन्सर किया, डॉक्टर सुरेश द्विवेदी एंड अनुरीता द्विवेदी, वो हमारे बहुत पुराने फ्रेंड हैं। और यहाँ पर इलाहाबाद में आप सबको पता होगा कि कुंभ मेला लगता है, और हमेशा वो कुंभ मेला में हेल्थ का जो सेक्शन है वो संभालते आए। तो इसी तरह कुंभ मेला स्टार्ट होने वाला था, और वो मेरे घर के पास ही वो एरिया है, मैं सवेरे वॉक करने गया तो मुझे देखा वो वहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स में लगे हुए थे, और मैंने उनसे यूँ ही पूछ लिया कि
डॉक्टर सुरेश आप कुछ और भी करोगे या यही करते रहोगे जीवन भर? उन्होंने कहा बताइए क्या करना है। तो फिर मैंने उनके घर में जाके प्लान दिखाया एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू डू द बिजनेस। अभी वो फाउंडर प्लैटिनम है, उनके नीचे प्लैटिनम है, उनके नीचे गोल्ड है, उनके नीचे सिल्वर है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो बिजनेस है बड़ा सिंपल है, लेकिन जब हम किसी को बताते हैं इस बिजनेस का प्लान, जब उन्हें बताते हैं तो उनको लगता है कि इसको मैं कैसे कर पाऊँ। और ये सही भी है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई स्ट्रांग रीज़न नहीं होगा जैसा मेरे पास था, तब तक आप इस बिज़नेस में जो पॉसिबिलिटी है आपके लिए उसको ही कंसिडर नहीं करते। लेकिन जब एक बार आपका रीज़न स्ट्रांग होता है तो आपको पता चलता है कि बिज़नेस करना बड़ा सिंपल है, क्योंकि दो ही चीज़ें इसमें करनी होती हैं। आपको प्रोडक्ट्स का यूज़ करना होता है और प्रोडक्ट्स और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों से बात करनी होती है, लोगों के साथ शेयर करना होगा। और ये करने के लिए बहुत हेल्प है, एमवे बहुत सारी हेल्प करती है, एमवे की ढेर सारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। एमवे का जो एक अकाउंट मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो हमारे मेजर अकाउंट मैनेजर हैं, स्ट्रैटेजिक अकाउंट मैनेजर हैं, नेशनल अकाउंट मैनेजर, ये सब के सब कमिटेड हैं, दे आर कमिटेड टूवर्ड योर सक्सेस, और जो कुछ भी उनसे हो सकता है वो करते हैं हमारे लिए। फिर हमारी एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है जो आपके लिए हेल्प करती है। जैसे मैंने बताया मेरे स्पॉन्सर जो देहरादून में है, सर्जन है डॉक्टर एम पी मैथानी, उनके अपलाइन हैं मिस्टर आलोक एंड मिसेज भावना उपाध्याय जो डायमंड हैं, उनके भी अपलाइन हैं मिस्टर आर पी सिंह एंड मिसेज चंद्र सिंह, दे आर ऑल्सो डायमंड। उनके अपलाइन हैं मिस्टर एस के तिवारी एंड मिसेज कल्पना तिवारी, फिर उनके ऊपर हैं मिस्टर जी एस बख्शी एंड मिसेज ज्योति बख्शी, और उनके भी ऊपर हैं मिस्टर अनिल नारंग एंड मिसेज बिंदु नारंग। तो ये जो पूरी मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, इसको मेरी लाइफ में एक एक सेकेंड का उनको पता होता है और उनका इतना इम्पैक्ट है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ के एरिया के वो लोग के गाइडेंस से और उनके निर्देश से होता है। इस लेवल का जो सबमिशन है वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक बहुत स्ट्रांग रीज़न हो इस बिज़नेस को करने। और दोस्तों मेरे पास ये रीज़न था, मुझे हर हालत में समय चाहिए था। मैं रात में सोते समय परेशान हो जाता था कि क्या ये मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, क्या कभी मेरे पास समय नहीं होगा कि मैं वो काम कर सकूँ जो मैं चाहता हूँ। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ आते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं और प्रेजेंटेशन देखते हैं, कोई ना कोई चीज़ उनको उसमें ऐसी दिख जाती है, शायद वो अट्रैक्ट करती हो, लेकिन कुछ ही समय बाद उनको लगता है कि वो उसको नहीं कर पाए। उसकी सिर्फ यही वजह है कि उनका कारण स्ट्रांग नहीं है। तो जितने भी लोग इस मेरी बात को सुन रहे हों, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ज़िंदगी में कोई एक ऐसा कारण है जिसके लिए आप कुछ और करना चाहते हो और वो कुछ और आपको उस काम से नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है जो आज आप कर रहे हो, तो आपको इस बिज़नेस को ज़रूर देखना चाहिए। और देखने के बाद इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो यह है कि आपको लोगों से बात करनी, दूसरी चीज़ यह है कि बात करने में आपको एक्सपर्ट बनना है। अब लोगों से बातचीत आप कैसे करेंगे? बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और जब आप बिना कुछ समझे हुए, बिना कुछ सीखे हुए, बिना कुछ हासिल किए हुए जब लोगों से बात करते हैं तो उसका वही रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट आता है, क्योंकि उसको ये देखना होता है कि आप उनको एक अपॉर्चुनिटी तो बता रहे हो, लेकिन वो सोच रहा होता है कि इनके साथ जुड़ के क्या मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो सबसे पहले वो देखता है कि क्या ये कामयाब है, क्या इनको इनकी बात में मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ एन एक्सपर्ट हु कैन गाइड मी टूवर्ड बेटरमेंट ऑफ माई लाइफ। और जब उसको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो चाहे वो कितना अच्छा आपका मित्र हो, चाहे आपका कितना अच्छा रिश्तेदार हो, वो आपके साथ जुड़ने से मना कर देगा। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको लोगों से बातचीत करना सीखना है, और जब आप सीखते हैं फिर जब आप बात करते हैं लोगों से तो बात में फ़र्क पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि पहले हम सीख लें फिर उसके बाद करना शुरू करें। यह बिज़नेस इतना सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें सीखना और करना दोनों साथ साथ चलता रहता है। हम इस बिज़नेस को सीखते भी जाते हैं और करते भी जाते हैं, इसीलिए शुरू में कहा जाता है शुरू में अपने अपलाइंस की हेल्प लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई आपसे पूछेगा कि क्या आप ये बात को जानते हो, आप ऑनेस्टली उनके साथ कह सकते हो कि नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इनके जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो ये जानते हैं, और ऐसे में आप उनको सामने खड़ा कर सकते हो। कोई आपसे पूछे कि क्या आप इस बिज़नेस में कामयाब हो, आप कह सकते हो कि नहीं मैंने अभी अभी शुरू किया है, लेकिन जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत कामयाब है।
तो फ्रेंड्स ये इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए इनिशियली शुरू में जब आपको करना है तो सीखते भी रहना है और लोगों से बातचीत आपको अपने अपलाइन के साथ करनी है। उसके बाद धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाते हैं और एक्सपर्ट होकर फिर आप यही काम उनके साथ करते हैं जो आपकी टीम में आ रहे होते हैं। सो देयर आर टू थिंग्स टू डू, यू हैव टू टॉक टू पीपल एंड यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट। टॉकिंग टू पीपल स्टार्ट तुरंत शुरू हो जाता है, शुरू में आप अपने अप्लाइंस को लीजिए। एक्सपर्ट आप धीरे धीरे बनते हैं और एक्सपर्ट बनने का काम कभी समाप्त नहीं होता, आप उसको सीखते जाते हैं, लगातार करते जाते हैं। दोस्तों हमारा ये बिजनेस एमवे बिजनेस इतना सिंपल है कि कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता कि इसके रिवार्ड इतने बड़े बड़े, और आज मैं इतने सालों के बाद, इतने साल इस बिजनेस को करने के बाद, मैं किसी से भी ये कह सकता हूँ कि इस तरह का छोटा सा दिखने वाला इतना बड़ा बिजनेस शायद ही कोई हो इस संसार में, जो कि मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति, मिडिल क्लास का व्यक्ति कर सकता हो। बिजनेसेस तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उसमें बहुत सारी पूंजी चाहिए, बहुत सारे हेडेक्स हैं, बहुत उसकी बात अभी नहीं करेंगे, पर इस तरह से एक बिल्कुल स्मॉल, छोटे से स्केल पर शुरू होने वाला सादा सा बिजनेस जो आपको इतने रिवार्ड दे सकता। तीसरी चीज़ की बात करें तो स्वास्थ्य, हमारे इस बिजनेस में स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि न्यूट्रीलाइट नाम की एक कंपनी है जो एमवे के साथ है। इनफैक्ट न्यूट्रीलाइट एमवे से भी पुरानी कंपनी, दुनिया को ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैदा किए गए फल और सब्जियों से सप्लीमेंट्स बनाकर देने वाली पहली कंपनी है इन दिस वर्ल्ड, और आज के समय में वो 80 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है एस्टैब्लिश्ड है पूरे संसार में, उनके प्रोडक्ट्स की वजह से न केवल हम अपने स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं, अपने परिवार का स्वास्थ्य बेहतर बनाते हैं, बल्कि पूरे संसार का, जैसे हमारा भी ये मिशन है कि हम कितने अधिक से अधिक लोगों को अपने शहर में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में और फिर अपने पूरे देश में स्वस्थ बना सकें। और आज के समय में स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो ये बिजनेस देता है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है कि इम्यूनिटी के बारे में सोचने वाले, इम्यूनिटी के बारे में बात करने वाले, गूगल पर इम्यूनिटी को सर्च करने वाले लोगों में 500% का इजाफा हुआ है, और ऐसे में ऐसे लोगों की जो समस्या है उसके समाधान के रूप में हमारे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। एज ए सर्जन अगर मैं अपने आप को याद करूं तो हो सकता है मैं प्रोफेशनली बहुत स्किल्ड रहा हूं, लेकिन जहां तक ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन स्किल्स, पीपल स्किल्स की बात है वो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं थी। मैं एक बहुत ही इगोइस्टिक इंसान था, मुस्कुराता नहीं था कभी, स्माइलिंग वॉज अ वेरी वेरी रेयर थिंग ऑन माई फेस। इस बिजनेस ने मुझे मेरी ईगो कम की, मैं ये समझने लगा कि जो मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसका भी इस जीवन में कुछ, इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, अपने लेवल से वो भी कुछ लोगों को दे ही रहा है और वो भी सम्मान करने योग्य है। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने अब ऑटो ड्राइवर्स, रिक्शा ड्राइवर्स, उनको आप कहना शुरू किया है। हम बहुत सारे होटल्स में जाते हैं, वहाँ पर डोर पर एक बहुत ही सजा सवरा सा एक गार्ड होता है जो आपको बहुत झुक के सलाम करता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग उसको रिस्पॉन्स भी नहीं करते, उनकी अगर गर्दन ऊँची है तो ऊँची गर्दन किए हुए ही निकल जाते हैं, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद मैंने उनको रिस्पॉन्ड करना सीखा है, उनसे थोड़ी सी बात करनी भी सीखी है, बिकॉज आई हैव रियलाइज कि एवरी ह्यूमन बींग इज इम्पॉर्टेंट। बहुत ईगो मेरी कम हुई है, मेरी पहले कभी भी किसी से बात होती थी तो थोड़ी देर में मैं उनकी बात काट देता था एंड इट ऑलवेज टर्न इन टू एन आर्ग्यूमेंट, बट अभी मैंने सीखा है कि आर्ग्यूमेंट जीतने में कुछ नहीं रखा है, आपको उस व्यक्ति का दिल जीतना होता है, और ये दिल जीतना आपको हमारे इस बिजनेस में सिखाया है। बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स मिली हैं करने को इस बिजनेस से। पहले मैं विदेश जाने के बारे में सोचता था कि पहले अपना भारत ही तो देख लें, पहले अपना कंट्री तो देख लें, अभी यहाँ तो गई नहीं, अभी वहाँ तो गई नहीं, यही मैं सोचता रहता था, और उसके पीछे सिर्फ एक बात थी कि अगर कहीं बाहर जाएं तो जो प्रोफेशन है उसमें नुकसान होगा और जो जाएंगे उसके ऊपर खर्च तो होगा अलग से। पर इस बिज़नेस की वजह से मैं अभी लास्ट मंथ अबू धाबी गए थे, हम और हमारी वाइफ, और ये हमारी 15वीं ट्रिप थी, 15 ट्रिप्स वी हैव टेकन फ्रॉम दिस बिज़नेस, और वो ट्रिप्स इतनी शानदार होती हैं, दे आर वेरी ब्यूटिफुली डिज़ाइन, वहाँ पर कहाँ घूमने जाना है, उसके सारे अरेंजमेंट्स, बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट की जो बहुत महंगे महंगे टिकट हैं वो एमवे हमारे लिए लेके रखती है। अभी हम गए थे, वो एक फरारी है वहाँ पर, वर्ल्ड का फास्टेस्ट फरारी फार्मूला रॉस, जो वहाँ सबसे बड़ी रेस होती है, वहाँ पर जाके उसका एंट्री का टिकट बहुत महंगा है, और वहाँ पर जितनी भी जगह हैं
उनके लिए आपको अलग से टिकट्स लेने होते हैं, बट एवरीथिंग वाज फ्री फॉर अस। इस तरह की तमाम ट्रिप हम लोग कर चुके हैं। जो हमारी पहली ट्रिप थी जिसमें हम मेडिटेरेनियन क्रूज पे गए थे, दैट वाज अ फैंटास्टिक ट्रिप। उस एक ही ट्रिप में कई देशों को हम लोगों ने कवर किया। हमने बार्सिलोना स्पेन से शुरू किया, फिर फ्रांस गए, फिर इटली गए, फिर रोम गए, फिर वापस बार्सिलोना आए। और वो जो क्रूज़ था हमारा, उस क्रूज़ के ऊपर 13 मंजिलों का एक 5-स्टार होटल था जिसके अंदर हमारा एक शानदार रूम था। रूम के साथ एक बालकनी भी थी। शाम को बालकनी में बैठकर आप समुद्र को, दूर तक फैला हुआ समुद्र देख सकते थे। ऐसा लगता था जैसे समुद्र के अलावा कुछ और वहाँ है ही नहीं। फिर हम लोग स्विट्ज़रलैंड गए, स्विट्ज़रलैंड की जो पहाड़ियाँ हैं बर्फ़ से ढकी हुई, वहाँ पर घूमे। कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, चाइना की जो चीन की दीवार है उसके ऊपर हम लोगों ने लंच किया। तो फ्रेंड, इतने सारे जो रिवार्ड हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। और पिछले 2 वर्षों में तो मैं बार बार ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने इस बिज़नेस को समझा और किया। इन 2 वर्षों में आपने देखा बहुत सारे काम बंद हो गए थे। मेरी मेडिकल प्रैक्टिस भी बंद हो गई थी क्योंकि कोविड के टाइम में नीचे मेरा हॉस्पिटल है, ऊपर मेरा घर है, मैं हॉस्पिटल नहीं चला सकता था, उसको पूरा बंद करना पड़ा। बट फाइनेंशियली आई वॉज एब्सोल्युटली साउंड, टोटली पीसफुल, रिलैक्स, बिकॉज हमारे पास एज देखा एक सोर्स ऑफ इनकम था। और वो मेरे ही लिए नहीं, जो मेरा नर्सिंग होम का स्टाफ जो भी था उसकी भी उसने देखभाल की। तो रिवार्ड बहुत से हैं, देखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन भाई जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ है कि ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको हासिल करने की आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर हो। और फ्रेंड्स, अभी पिछले 2 सालों में तो बिज़नेस बहुत आसान हुआ है। पहले हम लोग घर से बाहर निकल के किसी को प्लान दिखाने जाया करते थे, आने जाने में ढेर सारा समय लग जाता था। अगर आप दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में हैं तो एक अगर आपने प्लान दिखाया तो पूरा दिन चला गया। अभी 2 सालों में हमने देखा कि हम इस बिज़नेस को घर से बैठ के कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जूम एंड ऑल दीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब अवेलेबल था, लेकिन हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि बिज़नेस को ऐसे किया जा सकता है। लेकिन आज हम घर में बैठकर पूरी दुनिया में लोगों से बात कर सकते हैं। एक हमारे पास ऐप है, बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस हैं जिनसे हम एक साथ हजारों लोगों से जो दुनिया के अलग अलग कोने में हैं उनसे बैठ के बात कर सकते हैं। पहले हम एक दिन में एक प्लान मुश्किल से दिखा सकते थे, आज हम एक दिन में पूरे इंडिया में बैठे हुए कितने भी लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन इन सब को कर तभी पाएंगे जब हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रांग विजन होगा। हमारी कंपनी ऐसी है कि वो आपको हर स्टेप पर हेल्प करती है। अभी पिछले 2 सालों में आप देखें तो इस पैंडमिक के दौरान, व्हेन देयर वाज टोटल लॉकडाउन, किस तरह से एमबीए ने हमारी हेल्प की। प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटीज़ में डिक्लेयर कराया, उसकी जो डिलीवरी हो सकती थी गवर्नमेंट के साथ बात करके उसको डिलीवरी को फिजिबल बनाया। और किसी भी स्टेज पर हमको ऐसा नहीं लगा कि शायद हम अब बिज़नेस को नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सब के पीछे बात हुई थी कि हमें करना था, इसलिए हमने कर लिया। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपके साथ यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा सा बिज़नेस है, पर उसके साथ सिर्फ एक उसका जो पॉइंट है वो ये है कि ऑब्वियस नहीं है। सिंपल है बट इट इज़ नॉट ऑब्वियस। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो आप इसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि ये बिज़नेस आपको लाइफ में शायद वो सब कुछ दे सकता है जिसके लिए आज आप ढूंढ रहे हैं, जो कुछ आप ढूंढ रहे हैं और आपको उसको हासिल करने का कोई जरिया नहीं मिल रहा। So I can promise you, I can assure you that it will come.